की जो बरियत है ना वो निक्की जी हाँ पे हुई है, नैब के कहने पे हुई है। आज भी मनी ट्रेल नहीं है, जायदादों की कोई तफसील नहीं है। और आपको पता कतरी खाता आया था, अगर ट्रेल थी तो कतरी खाता आने की क्या जरूरत थी। सिद्दीकी साहब, एवरफील्ड फ्लैगशिप, इनमें तो दोनों जो केसेस हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। साफ इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं है? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे साफ साफ इलेक्शन। उसके रीजन ये है, अभी तक देखे हमारे कई कैंडिडेट हैं उनका पता ही कोई नहीं है, यानी वो भागते फिर रहे हैं। फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद बता दें, ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मार्शल दौर में जो रिवाज इस वक्त ये हो रहा है सारा कुछ, आपके साइफर में तो अपना कुछ सलाह हो नहीं पाएगी। ये भी तो बता दूं आपको, कैंडिडेट को झूठे पर्चों में बंद नहीं किया गया तो पाकिस्तान तरीके से ब्लैंड साइड विक्ट्री से जीतेगी। दूसरे नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना उनकी तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो ज़हन में रख लीजिएगा, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रही, एंड आई एम वेरी क्लियर। डॉक्टर साहब, इनकी ख्वाहिश हो सकती है या इनकी अपनी मर्जी है, हम पूरे जोर से, हम वाहिद जमात है जो कह रहे हैं इलेक्शन हो। आप बनाया हुआ आपने कि 40 साल से आप यही चूर्ण सुनते आ रहे हैं, मुझे बता दें 40 सालों में इनकी बारियां लगी रही हैं। बदनामी और पाकिस्तान के लिए ये एक हम जैसे शहरियों के लिए डूब मरने का मकाम है। इन सबके ऊपर, मुंह के ऊपर, कि आप लोगों ने जिस तरह आईन की पामाली की है। मैं अज़र सिद्दीक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अज़र सिद्दीक ने लाइव शो में नून लीगी दनियाल चौधरी को खूब खरी खरी सुनाई और कहा कि अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं तो पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी। अज़र सिद्दीक ने कहा कि इमरान खान को साइफर केस में किसी भी सूरत सजा नहीं होगी। नाज़रीन, अज़र सिद्दीक ने चंद ऐसे इंकशाफात किए कि दनियाल चौधरी पूरे शो में बिगी बिली बन के बैठा रहा। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, जहां इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और अजीब किस्म की हल्काबंदियाँ हो रही हैं, इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा रिश्वत लेके जो है वो लोगों के हक में हल्काबंदियाँ जो है वो कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है चीफ जस्टिस के होते हुए, जहाँ इफ्स एंड बट्स की बात नहीं की गई और कहा गया कि इस पर नहीं बात करनी, तबसरे भी नहीं करने, आपको इलेक्शन डिले होते नज़र आते हैं कि अगर इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कोर्ट्स में लैंड करेंगी, क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रही, उसकी मैं रीजन आपके सामने रख देता हूं। बाकी मैं देखिए, मैं बताऊं आपको, ये सारा प्लान के साथ चेस बोर्ड पे ये तयशुदा चीजें हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफा बड़ी बातें कर रहे हैं ना, 2018 का बड़ा जिक्र करते हैं, 2018 में कितने का इलेक्शन उन्होंने चैलेंज किए, बड़ी सीधी सी बात है, खाली कह देने से नहीं होता। अभी भी सर्वे करा रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में सर्वे हो रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बड़ी सीधी सी, साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे साफ शफाफ इलेक्शन। उसके रीजन ये है, अभी तक देखे हमारे कई कैंडिडेट हैं उनका पता ही कोई नहीं है, यानी वो भागते फिर रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से, इतनी मिसालें और गार्डियन लिख रहा है इस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में ये पैसे वैसे लेने के हवाले से मामला की बिल्कुल ये कोई ऐसी बात है दूसरी, जहां तक जिस फैसले पे हम बड़ा शोर डाल रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसला का फैसला वो बहुत बड़ा फैसला है, वो फैसला है ही नहीं, वो तो एक पंचायती फैसला है, यानी असूली तौर पर जस्टिस अतर मिल्ला ने जो नोट दिया है वो है फैसला असूली तौर के ऊपर। इलेक्शन जानबूझ के डिले कराए गए, हल्का बंदियों की जरूरत ही कोई नहीं, यानी आपने इस हालात में हल्का बंदियों का नुकसान देख लिया, आपके सामने आ गया, वन ऑफ द रीजन मानेंगे, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हल्का बंदियां डिले होंगी, इस वजह से हल्का बंदियां डिले होंगी, और नजर आपके सामने बड़ी वाजे तौर पर आ रहा है, और ये मामला इतना आसान नहीं है। पहली तो बात है कि जो हल्का बंदियों का जो फैसला किया गया वो गलत है, आइन के आर्टिकल 51 के खिलाफ वर्जी है, आप उसकी वजह से इलेक्शन को डिले करके चले गए, इलेक्शन डिले नहीं हो सकते थे, ये भी रिकॉर्ड की बातें ऊपर है। फिर आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये देखिए एक बात और दूसरा देखिए ना कि अपना किसने बनाया था, ये दो निगरान वजीर आला थे बाकी, और आपको पता है बलोचिस्तान के वजीर आला ने क्या कह दिया था कि मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ तक, और उस और आपने आर्टिकल 254 का सहारा लेके हल्का बंदियां बाद में होती रहती, यानी हल्का बंदियों से क्या हुआ? एक तो पहली बात है कि जो सीटें या नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली की वो इस हल्का बंदियों से बिल्कुल डिस्टर्ब है, उसके लिए आईन में तरमीम चाहिए थी, और ये पीपल्स पार्टी का मौकफ रहा है आर्टिकल 51 में, बड़े मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठा रहा हूं। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो डाउट ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर साफ सुबह इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो जमानतें भी जब्त हो जानी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और वो लोगों की नब्ज को जानती है। ये जो 40 साल से बैठकर 17 महीने की हुकूमत का जो मर्जी है कहते रहे, आज महंगाई, आज मुल्क, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जातियात के वाले से नैब के केस खत्म करा लो, ईसीएल का कानून तब्दील करा लो, फंड दे दो, उसके अलावा आवाम के आम बंदे का यानी पिछले 17 माह के अंदर ब्रेन ड्रेन जितना हुआ जो मुल्क से। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ये आपको इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं नजर आ रहे, तो फिर आपको कब नजर आ रहे? उसकी एक वजह बता दूंगा, उसकी दो वजह बता दूं। एक तो हल्का बंदियों वाला मामला आपके सामने ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा बहुत बड़ा पहाड़ है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इमरान खान साहब के साइफर में तो अपना कुछ सजा हो नहीं पाएगी, ये भी बता दूं आपको, वो लगे हुए हैं कि साइफर में सजा अगर हो जाए तो वो सजा में एक छोटा सा एक टाइम लगना है और वक्त लगेगा, वो प्लान जो था वो भी प्लान डिस्टर्ब हो गया, तोशाखाना में वो अपील ही अलाउ हो जानी है, और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे, ये सलाह ऐसी है कि इनकी कमिटमेंट करके आए हुए हैं कि इमरान खान नजर ना आए कहीं सियासत के अंदर, और उसी के लिए ग्राउंड तैयार हो रही है। मैं नहीं ये बात कह रहा, आप राजा रियाज और बाकी दुखले आप भी सुन लीजिएगा, उन्होंने मार्च में इलेक्शन का कह रहे हैं, 8 फरवरी आज भी इलेक्शन होते हुए नजर मुझे नहीं आ रहे, वो वजह क्या है, वो एक महीना इसलिए चाहिए कि इमरान
इमरान खान साहब के केसेस को किसी मंत्री अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए और अकेले इलेक्शन लड़ सके, वो शायद इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। आवाम को अगर वोट डालने दिया गया, सड़क पे अगर आगे, अगर आवाम आगे वोट के लिए अगर आगे, अगर कैंडिडेट को तंग नहीं किया गया, कैंडिडेट को झूठे पर्चों में बंद नहीं किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लैंड स्लाइड विक्ट्री से जीतेगी। दूसरे नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है ना, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएगी। दानियाल साहब, आपने अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू जो है वो सुनी होगी, वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब के केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक, और बकौल उनके जो एक मंतकी अंजाम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, वहां तक नहीं पहुंचते तो इलेक्शन होते हुए उनको नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है या इनकी अपनी मर्जी है, हम पूरे जोर से, हम वाहिद जमात है जो कह रहे हैं इलेक्शन हो, इलेक्शन अपने टाइम से हो। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ उनके अगले वज़ीर आज़म हैं, और अब मुल्क जिस बुरहानों में खड़ा हुआ है, जहां खड़ा हुआ है, इसका एक ही हाल है, वो इलेक्शन है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि फिर फौरी इलेक्शन हो, हम उसको जो भी चीज़ें हैं उनको फेस करें और इंशाल्लाह अपना मईशी प्लान दे के और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके चलें। क्योंकि अगर अभी इलेक्शन का फिर डिले होने का, या अगर ये चाहेंगे, ये अपीलों से चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हों, ये जो अपीलें करेंगे और ये तमाम चीज़ें करेंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनल सिस्टम या सेटअप को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम होने नहीं देंगे। इलेक्शन हम टाइम से करवाएंगे और पाकिस्तान को इस अपील की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वो बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो केसेस का प्री डिसाइडेड बकौल उनके, उनको आउट करने का सियासत से जो एक प्लान है, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के ऊपर अभी तो पता नहीं कितने ढेरों केसेस, जहां आप जो ईंट उठाएंगे आपको करप्शन चार्ज मिलेगा, आप जो कोना खुदेंगे आपको इनकी कोई करप्शन, या इनकी बेगम साहिबा के थ्रू, या बुज़दार साहब के थ्रू, या इनकी जो फ्रंट मैन थे उनके, आपके पास इतना टाइम था, वो आप किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जा सके ना। इसके ऊपर देखिए, आप बातें करते रहे लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक सवाल उसके तोशाखाना के। डॉक्टर साहब, हम तो, आप एक बात समझें, हमने तो इंतकाम की सियासत ना की, ना हम बिलीव करते हैं। ये वो पहलवान है जिन्होंने अपनी टांगें खुद काटी। ये अगर 9 मई के वाकयात ना करते, इस मुल्क को आग ना लगाते, अपना जो आपका दुश्मन आज नहीं कर सका वो ना करते, कायद आजम के घर को आग ना लगाते, अपने शोधा के जहाज़ों को आग ना लगाते, तो ये आज भी इलेक्शन में लड़े होते और ये खुलेआम खड़े होते। इन्होंने तो अपना नुकसान, अपनी तबाही खुद की है। सिद्दीक साहब, एवरफील्ड, फ्लैटशिप, इनमें तो दोनों जो केसेज हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। अब अजीजिया का जो रेफरेंस है, अजीजिया का जो केस है, वो 7 तारीख को जो है वो लगना है। इसके साथ जरा आपको लेके जाती हूँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आज की जो है वो स्टेटमेंट है। 7 तारीख को एक केस लग रहा है, 54 दिन का वो टाइम दे रहे हैं कि वो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है सारा कुछ है वो 54 दिन में अनाउंस करेंगे। वो बनती है 16 तारीख। इनमें कोई कनेक्शन आपको लगता है या ये कंस्पिरेसी थ्योरीज ही है कि जी वो एक सपोर्ट के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन निकली है पीएमएलएन के लिए? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटेट किया है, यानी हमें भी पता था इस बात का कि इनका प्लान क्या है, गेम प्लान क्या है, कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब का दौर आएगा, निगरान हुकूमतों में इन्होंने ये कुछ करना है, तो वक्त से पहले असेंबलियां जो तहलील की है बड़ा सोच समझ के किया गया है। और आपको देख ले, मैं नहीं कह रहा, राजा रियाज साहब ने, आजम जी थर्ड वजीर कानून ने, ये उस जून में बता दिया था कि जनाब इलेक्शन मार्च में होंगे, मैं नहीं कह रहा। और ये इलेक्शन कमीशन को सारा कुछ पता था, ये नहीं कि नहीं है। और जस्टिस अतर अल्लाह का जो फैसला है ना, वो चपेड़ है इन सबके ऊपर, मुंह के ऊपर, कि आप लोगों ने जिस तरह आइन की पामाली की है। मैं ये बात करने से पहले एक तो मैं बताना चाहूँ, नवाज शरीफ की जो बरियत है ना, वो निक्की जी हाँ पे हुई है, नैब के कहने पर हुई है। आज भी मनी ट्रेल नहीं है, जायदादों की कोई तफसील नहीं है। और आपको पता है कतरी खाता आया था, अगर ट्रेल थी तो कतरी खाता आने की क्या जरूरत थी? मैं उनमें नहीं जाना चाहता। ये बहरहाल पाकिस्तान की बदनामी और पाकिस्तान के लिए ये एक हम जैसे शहरियों के लिए डूब मरने का मकाम है कि यहाँ करप्शन का बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया, अब भूल जाए। मेरा नहीं ख्याल है, मैं तो चेयरमैन इमरान खान साहब को कहूंगा कि ये बयानिया पाकिस्तान में करप्शन का नहीं चल सकता, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ क्या फायदा है, यहाँ मिली भगत इतनी है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, बड़ी बातें करते हैं। वो टेप मैं सुन रहा था अभी दानियाल साहब की, वो टेप कई टीवी प्रोग्राम में बैठते हैं, यही टेप चलाते हैं। मैं हैरान होता हूं कि 17 महीने के बाद अगर तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी तो भाई कोई रिपोर्ट है आपके पास? बैन अकवामी इदारों की सारी रिपोर्ट पढ़ ले, IMF को एक्यूज कर रहे हैं, और IMF के साथ जब बैठते हैं वो पता भाई IMF ने अगर एक्यूज किया है तो दोबारा IMF के पास क्यों गए? उन्हें क्यों नहीं कहा कि आपने ये गलती की है, ये स्टेट टू स्टेट मुआवजा हुआ है, ये कोई जाति इमरान खान की जाति हैसियत में मुआवजा नहीं हुआ है? यानी बैठ के हम स्टेट्समैनशिप को जरा समझ लें। मैं वैसे तारीखी तौर पर 2-3 चीजें आपके सामने रख देता हूं। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 62 रुपए थी, जो मुशरफ दौर में 27 रुपए पर छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ में डॉलर 130 रुपए का था, जो मुशरफ 60 रुपए पर छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ में 95 अरब का कर्जा था, और जो मुशरफ दौर में 33 अरब डॉलर का था। और अभी आप जरा समझें आप बात को कि पब्लिक डेट जो है ना, जब आए थे इमरान खान का तो 24 था, जो 43 पे चला गया और 18,626 बिलियन पे आ गया। और जो 17 महीने के अंदर जो ये हुकूमतें ये वाली आई,
ये 44 से उठाकर इसको 64 में ले गए और 19,000 यानी 17 महीने में, ये हमने कहा था, यानी आप ये बड़ा बड़ी तकलीफ है, दुख होता है, ये हम बातें रिटोरिक्स पॉलिटिक्स मजाक बनाए हुए आपने, ये 40 साल से आप यही चूर्ण सुनते आ रहे हैं, मुझे बता दें 40 सालों में इनकी बारियां लगी रही हैं, मुल्क कहां गया है आप? ये पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने एयरलाइनें चलाई, मैं कल दुबई के एक दोस्त बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि जब दुबई में जब शुरू हुआ वो रेतला मैदान और पाकिस्तान वहां पर गया, पाकिस्तान ने जाकर डेवलपमेंट में बड़ा एक किरदार अदा किया, चाइना आप उठा, अभी अफगानिस्तान देख ले आप, यानी ये बैठ के खुदा रहा, ये हम ये जो अब कौम ये सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई, ये जो चलता था ना ये टेप में आगे जाना पीछे जाना और मिसाक, यानी आपको पता है छांका मांगा लगा करता था, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत के नतीजे में ये मुल्क तबाही में गया, यही निगरान सेटअप लेके आए ना, और देखिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, निगरान सेटअप अब सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या था, एक जाने वाला एक आने वाला, निगरान सेटअप एक जाने वाला एक आने वाला, ये मिसाक जमहूरियत थोड़ा था, ये तो मिसाक पाकिस्तान जो तबाही किया इस मुल्क को, ये सारी बातें छोड़ दें, बात बताएं क्या किया, बड़ी करप्शन के आपकी एक बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आप जो कह रहे हैं करप्शन का बयानिया जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो भी आने वाली हुकूमत आती है खा वो इमरान खान साहब की हो या किसी की भी हो, करप्शन की दास्तान ही रकम जाती है, हमारे अवाम की जो है वो मेरा ख्याल है हमारे जो किस्मत है उसमें यही लिखा गया है कि जो भी आएगा वो अपनी जेबें जो है वो भरेगा, और जब जा रहा होगा तो कहेगा कि जी मैं तो बिल्कुल साफ और शफाफ, मैंने तो कुछ नहीं कमाया और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अगली जो हुकूमत आएगी वो फिर आके करप्शन की दास्तानें बताएगी पिछली हुकूमत ने। बिल्कुल ठीक कहा कि नून लीग 16 माह में कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, इन्होंने सिर्फ अपने केस माफ़ कराए मगर अपनी भोंडी कारकर्दगी की सारी जिम्मेदारी अब ये इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमरान खान की मकबूलियत को ये किसी तरह कम कर सके, मगर पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को भी अपना नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।